हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह एक बार फिर से आपका बच्चों टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और 11 तारीख को, कहने का मतलब 11 अप्रैल को आपका केमिस्ट्री का बच्चों पेपर है। ये बच्चों क्लास 12th वालों के लिए है। 11 तारीख को आपको केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों, और केमिस्ट्री का पेपर को लेकर बच्चे घबराए हुए हैं कि कैसे होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो जो बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर हम करा देंगे। आप टॉप 10 क्लासेस की सहायता से आप जुड़े रहिए बच्चों, और आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाएगा। और बच्चों अगर कोई आपको डाउट्स आए या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बोर्ड रिलेटेड बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों, और वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपकी हेडिंग पर चलते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग लगा रखा है बच्चों, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। तो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, इसलिए पूरा का पूरा हम ट्रिकी बेस देखते हैं, पूरा का पूरा ट्रिक पे देखते हैं कि जब भी आपको उपसहसंयोजक यौगिक पढ़े बच्चों, तो उसका नामकरण करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कौन सा नामकरण, हम बच्चों IUPAC नामकरण की बच्चों बात कर रहे हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में बच्चों हम बात कर रहे हैं। अब हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले IUPAC या IUPAC नामकरण बराबर बच्चों क्या होता है आपका, सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया आपका K4 FE, और बच्चों ने क्या लिख दिया आपका CN6 लिख दिया बच्चों, और बच्चों हमने आपका यहाँ पर हम आपका 4 लिख दिया बच्चों। जैसे कि हमने आपका हमने K4 FE CN4 कोई कंपाउंड बच्चों आपका लिख दिया। अब हम इसको कैसे इसका IUPAC नेम बच्चों करेंगे, तो IUPAC नेम लिखते हैं सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं, धनायन। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है किस धनायन का नाम। देखिए बच्चों ब्रैकेट से बाहर जो भी आपका धनायन होगा बच्चों, जैसे सोडियम है तो हम सोडियम लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे, अगर आपका कोई आयन है बच्चों और हम उस आयन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम आपका संकुल, आपके संकुल में बच्चों हम प्रवेश करेंगे, और प्रवेश जैसे ही करेंगे आपको बच्चों किसका नाम लिखना है, लिगेंड की संख्या लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, लिगेंड की संख्या, क्या लिखना है बच्चों, जो भी लिगेंड है सबसे पहले बच्चों आपको धनायन का नाम लिखना है, इसके बाद लिगेंड की क्या लिखना है आपको, संख्या लिखना है, जो भी लिगेंड है बच्चों। जैसे यहां पर क्या CN है, मतलब साइनो है, और इसकी संख्या 4 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, तो लिगेंड की संख्या लिखेंगे प्लस, अब क्या लिखेंगे बच्चों आपके, लिगेंड का नाम लिखेंगे बच्चों, और जो नाम होगा लिगेंड का नाम बच्चों वो हम आपका अल्फाबेटिकल लिखेंगे, वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे बच्चों, वर्ण माला के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, वर्ण माला के अनुसार बच्चों क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और जब लिगेंड का नाम लिख लेंगे बच्चों, तब आपका कौन आता है, सेंट्रल मेटल आता है, सेंट्रल मेटल आता है बच्चों, मतलब धातु का नाम लिखेंगे। इसके बाद बच्चों इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस धातु का नाम लिखेंगे बच्चों, और धातु का नाम लिखने के बाद बच्चों ब्रैकेट में रोमन संख्या लिखेंगे। रोमन संख्या मतलब बच्चों आपका जो धातु होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा बच्चों, उसको हम रोमन में लिखेंगे। और प्लस बच्चों इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद आपका यदि संकुल के बाहर कोई ऋणायन उपस्थित है, तो लास्ट में बच्चों क्या लिखेंगे, ऋणायन का नाम लिखेंगे, ऋणायन का
नाम लिखेंगे। बस बच्चों ये पूरा आईपीएससी नामनक्लेचर के लिए आपका ट्रिक हो गया। तो बच्चों ये रहा आपका ट्रिक और इसके माध्यम से हम बच्चों किसी भी उपसंयोजक यौगिक का संकुल यौगिक का नामकरण हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे बच्चों हमने आपका धनायन का नाम ले लें, धनायन का नाम, धनायन है बच्चों आपको मेनली दो चीजें भी लेंगी। धनायन के नाम में बच्चों या तो आपको मिल जाएगा सोडियम यन्य। अब बच्चों जैसे हमने आपका यन्य लिखा तो ये क्या है बच्चों, इसके लिए हम क्या लिखते हैं आपका सोडियम। जैसे बच्चों आपका के मिला तो के लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे आपका पोटेशियम। तो ये चीज़ें बच्चों हम आपका लिखेंगे। और ये कोई भी चीज़ है अगर कोई भी और धनायन है बच्चों उसका हम बच्चों क्या लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो आप कोई और धनायन है उसका नाम कोई और हो तो उसका नाम बच्चों हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब लिगेंड की संख्या बच्चों आते हैं हम आपके लिगेंड की संख्या। अगर बच्चों लिगेंड की संख्या दो होगी उसके लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। या तीन होगी तो क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राई लिखेंगे। चार होगी तो टेट्रा, पांच होगी तो पेंटा। बच्चों दो में होगा तो डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा, पांच पेंटा, ये बच्चों आपका लिखेंगे। अच्छा होगा बच्चों क्या लिखेंगे हम, इसका हेक्सा लिखेंगे। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है बच्चों, ये तो नाम आपका हम लिख लेंगे लेकिन जैसे आपको कह दे कोई कि EN2 क्या है बच्चों, इसको हम कहते हैं एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन। तो क्या बच्चों इसमें आपका डाई आ गया। अगर कोई भी लिगेंड है और उस लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आ रहा है बच्चों तो दो के लिए आप क्या लिखेंगे, तब दो के लिए बच्चों आप क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। तीन के लिए बच्चों क्या लगाएंगे आप, 30 लगाएंगे। चार के लिए बच्चों क्या लगाएंगे आप, टेट्रा 30 लगाएंगे बच्चों। तो ये रहा कब, जब आपके लिगेंड में डाई ट्राई आ जाए बच्चों तब ये वाला आप फॉलो करेंगे। यहां हम लिख दे रहे हैं आपका नोट, जब लिगेंड के नाम में डाई ट्राई शब्द प्रयुक्त हो, तो बच्चों ये चीज हम फॉलो करेंगे। धनायन का नाम जल्दी आपको दो ही धनायन मिलते हैं, सोडियम पोटेशियम, और ये बच्चों लिगेंड की संख्या इस हिसाब से रहेगी, इसे लिखेंगे। और आपके यदि लिगेंड में आपका डाई ट्राई आ जा रहे बच्चों तो दो के लिए आप 20 लिखिएगा, तीन के लिए बच्चों 30 लिखिएगा, और चार के लिए टेट्रा 30 लिखिएगा। अब अगले पॉइंट बच्चों ये हो गया आपका और ये हो गया। अब लिगेंड का नाम, अब बच्चों इस पर चलते हैं आपका लिगेंड का नाम। तो हमेशा याद रखिए बच्चों लिगेंड का नाम बच्चों आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या मतलब बच्चों, वर्णमाला के क्रम में आप करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं हम आपका एक लाइन कि लिगेंड का नाम सदैव वर्णमाला के अनुसार करते हैं जो
वर्णमाला में, जो वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। उसका नाम बच्चों क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं। तो कुछ बच्चों लिगेंड के नाम को बता देने, बच्चों इसको आप केयरफुली याद कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लिगेंड के नाम बच्चों आपके लिखा दे रहे हैं यहाँ पर, इसे आप याद कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लिगेंड का नाम, जैसे बच्चों आपका यदि Br- आया बच्चों, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? हमेशा ब्रोमीडो लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? ब्रोमीडो। Cl आ गया बच्चों तब क्या लिखेंगे? क्लोरीडो। क्या लिखेंगे बच्चों आप? क्लोरीडो। अगर बच्चों यही आपका F आ गया तो इसके लिए बच्चों क्या लिखेंगे आप? फ्लोरीडो। लिखने के लिए आप फ्लोरो भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लोरो भी लिख सकते, लेकिन आप फ्लोरीडो ही लिखिए। अब बच्चों यदि आपके आयोडीन आ गया बच्चों, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आयोडो लिखोगे बच्चों। तो ये रहा बच्चों। अब बच्चों और कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं, जैसे कि अगर बच्चों यही आपका सीएन आ गया, इसके लिए बच्चों क्या लिखेंगे? साइनो लिखेंगे। अगर बच्चों यही आपका क्या आ गया? एनसी आ गया बच्चों, तो इसमें क्या लिखेंगे? आइसो साइनो लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे हम आपका? आइसो साइनो लिखेंगे बच्चों। यदि आपका यही बच्चों एच माइनस आ गया, तो क्या लिखेंगे आप? H- बच्चों, तो अब क्या लिख? हाइड्रिडो लिखेंगे बच्चों, हाइड्रिडो। ये बच्चों आप लिखेंगे। और ये बच्चों आपका यही CO3 2- आ गया, तो आपके इसके लिए क्या लिखेंगे? क्या है? कार्बोनेट आयन है बच्चों, तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो लिखेंगे बच्चों। यही आपका बच्चों क्या आ जाए? O2- आ जाए बच्चों, तो इसके लिए क्या है आपका? ऑक्साइड आयन बच्चों, क्या लिखेंगे? ऑक्साइडो लिखेंगे बच्चों। यही बच्चों आपका O2- आ जाए, तो इसके लिए क्या लिखें बच्चों? ये आपका सुपर ऑक्साइड का होता है बच्चों, तो इसके लिए क्या? सुपर ऑक्साइडो। क्या लिखें बच्चों आप इसके लिए? आप सुपर ऑक्सो लिखिए। क्या लिखें बच्चों? सुपर ऑक्सो। और यही O2- है ऑक्साइडो, इसको क्या लिखें? सुपर ऑक्सो। और यही बच्चों आपका, एक मिनट बच्चों, इसको बच्चों हाँ O2- के लिए लिखें बच्चों। अगर आपका O2 2- है बच्चों, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? पराक्सो लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे आप? पराक्सो लिखेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर O2- आया बच्चों, उसके लिए आप ऑक्साइडो लिखेंगे। अगर यही O2- आया बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे? सुपर ऑक्सो लिखेंगे। अगर O2 2- आया बच्चों, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? पराक्सो लिखेंगे। यही चीज़ बच्चों, अगर आपका C2O4 आ गया बच्चों, आगे बच्चों आपका बता रहे हैं कुछ और हैं, ये आपका 7 हो गया, ये बच्चों 8, 9, 10 और बच्चों क्या 11। अगर बच्चों यही हम आके 12 पे चलें, तो C2O4 2-, ये बच्चों क्या? ऑक्सैलिक एसिड से बना होता है। किससे? C OH और C OH।
ये क्या बच्चों? ऑक्सैलिक होता है बच्चों, ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलिक एसिड होती है यही बच्चों। अगर हम इसका हाइड्रोजन दोनों निकाल दें बच्चों, इसको भी, तो आपका क्या हो जाएगा? सी डबल बंद ओ, ओ माइनस बच्चों, और सी डबल बंद ओ और ओ माइनस हो गया बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं? आपका ऑक्सीलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सी टू ओ फोर टू माइनस हो, क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीलेटो। और बच्चों यही आपका तो ये रहा बच्चों। अब कुछ और जानेंगे बच्चों, कुछ ये आपके ऋणायन के नाम रहे, कुछ हम उदासीन के नाम भी बच्चों लिख लेते हैं। जैसे बच्चों अगर आपका मिल जाए क्या उदासीन लिगेंड है बच्चों, वो आपके ऋणायन लिगेंड थे, ये आपके उदासीन लिगेंड है बच्चों। अगर यही बच्चों आपको क्या मिल जाए, यस टू ओ मिल जाए बच्चों, तो यस टू ओ के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। यही बच्चों आपको क्या मिल जाए, यदि एन एस थ्री मिल जाए बच्चों, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? आपका एमीन लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? आपका एमीन लिखते हैं। यही बच्चों यदि आपका क्या मिल जाए, सी ओ मिल जाए बच्चों, तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं? कार्बोनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप सब? कार्बोनिल। यही बच्चों आपको यदि क्या मिल जाए, सी ओ मिल जाए, तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं बच्चों? कार्बोनिल लिखते हैं। यही बच्चों आपका क्या मिल जाए, अगर ई एन मिल जाए, इसके लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं? ये बच्चों देखिए आई वी सी एस टू एन एस टू और बच्चों सी एस टू और एन एस टू बच्चों, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? देखिए एक दो तो एथेन, एक दो बच्चों क्या होगा? एथेन वन टू डाई एमीन। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसका नाम? एथेन वन टू डाई एमीन। एक तो बच्चों आप ये नाम लिख सकते हैं, या तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? एथिलीन डाई एमीन। क्या कहते हैं बच्चों? एथिलीन डाई एमीन लिखते हैं बच्चों। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं बच्चों? इसको साठ में क्या लिखते हैं? ईएन लिखते हैं बच्चों। ये आप इतना जानते रहिए, अगर आपको इतना याद हो गया तो हमारी गारंटी है बच्चों आप आईयूपीएसी आप आसानी से लिख लेंगे। कुछ देर और रुकिए बस आप, ठीक है बच्चों? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। अगला है बच्चों लिगेंड का नाम हमने लिख लिया, तो क्या आता है? धातु का नाम लिखते हैं बच्चों। तो धातु का नाम कैसे लिखेंगे? धातु का नाम, तो धातु का नाम बच्चों संकुल पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों धातु का नाम, धातु का नाम संकुल पर उपस्थित, संकुल पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। अगर बच्चों संकुल पर अगर आवेश बच्चों ऋणायन आवेश आ रहा है, तो अगर बच्चों कौन सा आवेश आ रहा है? ऋणायन आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? आपका जो धातु का नाम होगा उसमें क्या करेंगे बच्चों? एट जोड़ देंगे। तो मतलब धातु के नाम में एट एट जोड़ देते हैं। अगर बच्चे संकुल पर क्या आ रहा है? ऋणात्मक आवेश आ रहा है बच्चों, तो क्या जोड़ेंगे? एट जोड़ देंगे बच्चों। और कंडीशन नंबर दो बच्चों, यदि यही आपका क्या आ रहा है बच्चों? धनात्मक आवेश उपस्थित, हम क्या लिखेंगे? आयन लिखते हैं।
धनात्मक आवेश उपस्थित होता है क्या लिखते हैं, धातु का नाम लिखते हैं, उसके आगे बच्चों क्या लिख देते हैं आपका आयन लिख देते हैं, धातु का नाम लिखेंगे, फिर आक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, तब इसके आगे फिर क्या लिखेंगे बच्चों आयन लिख देते हैं। तो ये चीज रही लिगेंड का नाम हम बच्चों कैसे लिखेंगे, सॉरी धातु का नाम कैसे लिखेंगे बच्चों। अब लास्ट आता है बच्चों ऋणायन का नाम बच्चों कैसे लिखेंगे, ऋणायन का नाम, ऋणायन का नाम कहने का मतलब बच्चों संकुल के बाहर जो ऋणायन उपस्थित होता है बच्चों, संकुल के बाहर जो ऋणायन उपस्थित होता है उसका नाम बच्चों बच्चों ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगर बच्चों क्लोरीन है तो उसको हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिख देते हैं बच्चों, जैसे क्लोरीन है तो उसके लिए बच्चों हम क्या लिखें, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। ब्रोमीन है बच्चों, क्या ब्रोमीन है तो उसके लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। अगर बच्चों आपका क्या है SO4 है बच्चों, SO4 टू माइनस आ रहा है बच्चों, तो इसको लिए हम क्या लिखें बच्चों, सल्फाइड लिख देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिख लेंगे। अब आइए हम इस पर आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आए हुए बच्चों उसको भी हम आपका क्या आते हैं सॉल्व कराते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं हम आपका कुछ महत्वपूर्ण उपसंयोजक, कुछ महत्वपूर्ण उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC कहने का मतलब बच्चों IUPAC नामकरण। तो कैसे करेंगे बच्चों, बाय दिस ट्रिक यू कैन राइट द गिवन कंपाउंड व्हाट इज द IUPAC नेम। तो आपको बच्चों के लिए ट्रिक याद करनी है और ट्रिक याद करने के बाद बच्चों लिगेंड की संख्या याद कीजिएगा और लिगेंड का वर्णमाला के अनुसार क्रम क्या होगा बस, और लिगेंड का नाम बच्चों, यही आपको दो चीजें याद कर लीजिए। हमारी गारंटी अब एग्जाम में 2 से 3 नंबर आसानी से कर लेंगे केवल 40 से 45 मिनट के लेक्चर में। तो बच्चों सबसे पहले आपका हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए इसमें कहा है बच्चों संकुल आयन, संकुल दिया बच्चों CR NH3 टेकन 3 और क्या दिया बच्चों Cl3 दिया है। अब इसका IUPAC नेम पूछा है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या कोई धनायन दिया है, क्या संकुल के बाहर कोई धनायन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो धनायन का नाम आप नहीं लिखेंगे। तो आ जाइए आप संकुल के अंदर, संकुल के अंदर जैसे आप बच्चों आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको धातु मिल जाता है। तो कहने का मतलब जैसे ही आप संकुल के अंदर इंटर किए वैसे ही आपको क्या मिल गया बच्चों, क्रोमियम मिल गया। तो क्रोमियम का नाम तो पहले लिखेंगे नहीं और उसके पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड की संख्या। तो 2 लिगैंड है बच्चों, एक क्या एमीन है, एक क्या बच्चों एमीन है और एक क्या बच्चों क्लोरीडो है। Cl को हम क्या लिखते हैं, Cl- क्लोरीडो लिखते हैं। तो एक तो क्लोरीडो आ रहा है बच्चों और एक तो क्या आ रहा है, एमीन आ रहा है। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें बच्चों ए पहले आता है और सी बच्चों बाद में आता है, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का नाम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों धनायन का नाम कुछ है नहीं, लिगेंड की संख्या, सबसे पहले इसका नाम है बच्चों तो क्या है 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। तो क्या हो गया, टेट्रा एमीन, इसका नाम बच्चों क्या हो गया आपका, टेट्रा एमीन। तो क्लोरीन क्लोरीडो बच्चों कितना है, 3 है, टेट्रा एमीन, टेट्रा क्लोरीडो
टेट्राएमीन टेट्रा क्लोरीडो, ये क्या था बच्चों, लिगैंड था, हमने इसका नाम किसमें लिख दिया, कंबाइंड लिख दिया। अब इस पर आइए, क्या आपके संकुल पर कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश है? नहीं है बच्चों, तो ठीक है। तो जो आपका मेटल आयन है, जो धातु आयन, उसका नाम लिखिए। तो क्रोमियम दिख रहा है ना बच्चों, क्या लिखिए, लिगैंड की संख्या, लिगैंड का नाम हो गया बच्चों। अब धातु का नाम क्या है, क्रोमियम है ना, तो अब क्या लिखिए, क्रोमियम लिखिए बच्चों। अब क्रोमियम बच्चों हमने लिख लिया, अब बताइए बच्चों NH3 क्या इस पर कोई आवेश है? नहीं बच्चों, ये क्या आपका न्यूट्रल है, तो इस पर आवेश क्या है, जीरो है। लेकिन क्लोरीन पर बच्चों क्या होता है, एक माइनस आवेश है ना, तो कितने क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है बच्चों, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकलेगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था जिसका निकालना हो उसको मान लीजिए यक्स, तो तीन गुड़े बच्चों एमीन का NH3 का जीरो होगा, तीन गुड़े जीरो प्लस तीन गुड़े माइनस वन इक्वल टू क्या, जीरो। तो एक्स ये क्या जीरो गया, प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और ये इस बराबर क्या बच्चों, प्लस थ्री आ गया। क्या इतनी बातें आई समझ में, मतलब कहने का जो आपका क्रोमियम है बच्चों उस पर क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, थ्री है। बस बच्चों ये आपका IUPAC नेम हो गया। क्या कठिन लगा आपको? नहीं। अगर आपको बच्चों कठिन नहीं लगा तो लाइक तो जरूर कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए। अब हम आपके अगली हेडिंग पर, कहने का मतलब अगले एग्जाम पर बच्चों चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल बच्चों क्या दिया है बच्चों, आओ इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कहा है बच्चों K3Fe C2O4, K3Fe C2O4 और Tecan-3 बच्चों, ये आपका कह रहा है, इसका नाम लिखकर दिखाइए। क्या कठिन लगा बच्चों? एकदम नहीं। आओ इसका नाम बच्चों हम आपको लिखकर दिखाएं। तो सबसे पहले क्या संकुल के बाहर क्या है, के दिख रहा है बच्चों, के थ्री है बच्चों, क्या हम टेट्रा लिखेंगे? नहीं। संकुल के बाहर बच्चों यदि आपका कोई भी आपको आयन मिले, धन आयन मिले, तो उसकी संख्या हम नहीं लिखते हैं बच्चों। क्या है, पोटेशियम है ना, तो केवल आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम। यहां पर हम क्या लिखें बच्चों, जो IUPAC होगा बच्चों इसका हम क्या लिखें, पोटेशियम। क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? आ जाइए, अब जैसे ही बच्चों आप पोटेशियम लिखेंगे, आफ्टर देन आप इंटर करेंगे किसमें, संकुल में। अब संकुल में इंटर किए तो क्या पा गए बच्चों, आप मेटल आयन पा गए। अब मेटल आयन का नाम तो पहले लिखते नहीं, तो आ जाइए, ये क्या है बच्चों, लिगैंड है, और इस लिगैंड का नाम आपको बच्चों मालूम है, C2O4 2-। ये क्या होता है बच्चों, बताइए आप, ऑक्सीलेटो होता है ना बच्चों, ये आप पढ़ चुके हैं। तो कितने हैं बच्चों, तीन है ना, तो क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीलेटो। क्या लिखें बच्चों, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या बच्चों, ये आपका क्या है, पोटेशियम आयन है, और पोटेशियम आयन है मतलब ये धनायन है, तो आपका संकुल क्या होगा बच्चों, ऋणायन होगा। ये क्या है, धनायन है ना बच्चों, अगर ये बच्चों धनायन है तो ये संकुल क्या होगा बच्चों, आपका ऋणायन होगा। और यदि आपका संकुल ऋणायन होगा तो आपका जो धातु का नाम है बच्चों उसमें आप क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे। तो आ जाइए, तो क्या है आपका, Fe है ना, और Fe को हम क्या कहते हैं बच्चों, फेरस कहते हैं, और फेरस में बच्चों एट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका नाम फेरेट निकला। और बच्चों यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, पोटेशियम क्या होता है बच्चों, प्लस वन होता है, कितने पोटेशियम में, तीन है, तो प्लस थ्री हो गया बच्चों, यहां से प्लस थ्री, और ये Fe का क्या बच्चों, यक्स होगा, और C2O4 का बच्चों क्या होता है, माइनस टू, तीन है तो थ्री, तो तीन दूनी छह, माइनस थ्री, और माइनस थ्री प्लस थ्री जाएगा बच्चों क्या आएगा आपका, प्लस थ्री आएगा, मतलब क्या थर्ड आ गया बच्चों। क्या ये कठिन लगा आपको? हमारे हिसाब से 1% भी आपको कठिन नहीं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट। तो ये हुआ बच्चों आपका IUPAC नेम।
आज ये बच्चों हम आपके अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब बच्चों यदि हम आपका थर्ड एग्जाम्पल ले बच्चों, तो इसमें कहा है CONH3। बच्चों ध्यान दीजिए, CONH3 टेकन 5 Cl और ब्रैकेट बच्चों इन्होंने बंद कर दिया है और आगे बच्चों दे दिया है आपका Cl2 और इसका पूछ लिया है बच्चों आपसे आयु PAC नाम क्या होगा। क्या बच्चों आपको संकुल, सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चों, अगर आपको आक्सीकरण अवस्था निकालने में परेशानी हो रही तो सबसे पहला काम आक्सीकरण अवस्था ही निकाल लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या निकाले आप, आक्सीकरण अवस्था ही निकाल लीजिए। तो आइए, तो इसकी यदि हम कोबाल्ट की आक्सीकरण अवस्था जिसका निकालना होता है बच्चों, इसको हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, यक्स मानते। ये क्या बच्चों आपका यक्स प्लस NH3 क्या है बच्चों, एमीन है, अमोनिया है बच्चों, तो इसका क्या होता है, जीरो होता है। तो 5×0 प्लस इसका होता है -1 होता है, 1 Cl यहाँ पर, 2 Cl यहाँ पर, तो कहने का मतलब 3×-1 और क्या बच्चों न्यूट्रल है, 3×= क्या बच्चों 0। तो यक्स ये 0 हो गया बच्चों, -3=0, तो यक्स की क्या आ गया बच्चों, +3 आ गई, मतलब इस पर जो आक्सीकरण अवस्था है क्या बच्चों, +3 है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका नाम हम और लिखकर आपको बताएं। तो सबसे पहले बच्चों आपका कोई धनायन दिया है, धनायन का नाम तो कुछ नहीं है बच्चों, तो मतलब अब आ जाए लिगैंड की संख्या। तो इस पर दो लिगैंड है बच्चों, एक एमीन है और एक क्या है, क्लोरीडो है। संकुल के भीतर दो आपके लिगैंड है, एक क्या एमीन है और एक क्या बच्चों क्लोरीडो है। तो आओ बताओ, सबसे पहले क्लोरीडो लिखेंगे, सबसे पहले एमीन, एमीन ए से स्टार्ट होता है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 5 है बच्चों, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। क्या लिखें बच्चों, पेंटा एमीन। और एक बच्चों एक बात है और केयर करने की बात है कि जब भी संकुल के भीतर का नाम लिखेंगे तो हम एक ही लाइन में पूरा लिखेंगे बच्चों। तो पेंटा एमीन ये क्या बच्चों, क्लोरीडो है, चाहे क्लोरो लिखिए या क्लोरीडो लिखिए, क्लोरीडो। अब आ जाइए बच्चों, ये बचा ना आपका, इसका नाम लिखिए संकुल के, पूरा संकुल का नाम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखेंगे बच्चों। तो ये क्या है, कोबाल्ट है। क्या बच्चों आपको कोबाल्ट मिला, क्या आपको CO मिला। अब इसका नाम क्या लिखेंगे आप, कोबाल्ट ही लिखेंगे। इसका नाम बच्चों क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। अब बच्चों हमने क्या लिख दिया, कोबाल्ट लिख दिया और इस पर जो आक्सीकरण अवस्था होगी क्या होगी बच्चों, +3 है, मतलब रोमन में क्या लिखे बच्चों, थर्ड लिख दिए। और इसका क्या नाम है बच्चों, क्लोराइड है, तो हमने क्या लिख दिया, क्लोराइड। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई, पेंटा एमीन क्लोरीडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये आपका IUPAC नेम निकल कर आ गया। आइए हम दूसरा करते हैं यहाँ पर फिर से, ये बच्चों का थर्ड था, अब फोर्थ करते हैं बच्चों। तो फोर्थ दे रहा है बच्चों कि इसमें दिया है PT NH3 टेकन 5 CO टेकन 3 और बच्चों क्या है आपका Cl है। और बच्चों क्या आपका Cl है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले बच्चों आप आक्सीकरण अवस्था निकालिए। तो ये क्या है, धातु आयन है ना बच्चों, इसी आक्सीकरण अवस्था को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x प्लस एमीन का 0 होता है 5×0 प्लस CO3। क्या बच्चों आपको कार्बोनेट आयन नजर आ गया, कार्बोनेटो नजर आ गया, हाँ कार्बोनेटो नजर आ गया, तो मतलब CO3 2-। और बच्चों यदि CO3 2- आ गया मतलब इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे बच्चों क्या, कार्बोनेटो। और आक्सीकरण अवस्था -2 होती है, कितनी है बच्चों, एक ही है ना, तो -2 लिखिए इसका, -2। और इसका क्या होगा बच्चों,
प्लस माइनस वन इक्वल टू क्या जीरो, तो निकालिए तो यक्स माइनस थ्री माइनस थ्री, ये बच्चों माइनस टू और माइनस वन क्या माइनस थ्री इक्वल टू क्या जीरो और ये बराबर क्या गया प्लस थ्री। मतलब पूरा कहने का ये रहा इस पर भी आर्थिक व्यवस्था कितनी आ गई आपकी प्लस थ्री आ गई। अगर आर्थिक व्यवस्था मिल गया तो मतलब कुल काम हो गया। आ जाइए बच्चों, तो सबसे पहले संकुल में आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको ये क्या पीटी मिला, इसके बाद NH3। तो पहला क्या ये धातु आया ना बच्चों, ये क्या आपको धातु है बच्चों। अब धातु का नाम तुम पहले लिखते नहीं, लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो ये आपका लिगेंड NH3 टेकन 5 और CO3। तो आ जाइए ये एमीन है, इसका नाम क्या लिखें बच्चों पेंटा एमीन, क्या लिखेंगे पेंटा एमीन। और इसका CO3 है बच्चों, इसका नाम क्या होगा कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। और पीटी, पीटी का नाम बच्चों क्या होता है प्लेटिनम होता है, क्या होता है बच्चों प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है बच्चों प्लेटिनम आ गया। और इस पर आक्सीकरण अवस्था कितना बच्चों थर्ड है, तो थर्ड लिखिए। और इसका क्या है क्लोराइड हो तो क्या लिखिए, सीएल को लास्ट वाला क्या बच्चों क्लोराइड है तो क्या लिखिए आप क्लोराइड। क्या इतनी बातें आई समझ में, अगर इतनी बातें आई समझ बच्चों तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, उसको भी सॉल्व करा देते हैं। तो आ जाइए, तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं बच्चों। ये आपका बच्चों जो भी सीरीज है विद्या है उससे हम करा रहे हैं बच्चों। तो इसमें दिया है वी के फोर के फोर एन आई CN4 और क्या बच्चों आपका ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए क्या बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है धनायन का नाम आ गया, अगर आपको धनायन का नाम आ गया तो आपका सबसे पहला काम धनायन का नाम लिखना है। कौन सा है पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखिए, लेकिन संख्या क्या है चार है तो संख्या पर हम ध्यान नहीं देते हैं। संकुल के बाहर जो भी धनायन है जो भी ऋणायन उसके संख्या पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो पोटेशियम में बच्चों तो हम क्या लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे पोटेशियम। और चार है तो चार के लिए क्या लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम टेट्रा साइनो, क्या लिखेंगे बच्चों पोटेशियम टेट्रा साइनो। अब बच्चों यहां पर देखिए संकुल का पूरा हम एक ही लाइन में लिखेंगे बच्चों, पूरा का पूरा एक लाइन में लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा साइनो। और ये क्या बच्चों निकिल है, लेकिन एक चीज बच्चों हमने आपको आक्सीकरण अवस्था नहीं निकाला यहाँ पर, तो निकाल लीजिए आप सब। तो चार है बच्चों तो चार गुड़े अब पोटेशियम का प्लस वन होता है बच्चों और प्लस इसका तो यक्स होगा मेटल इसी के निकालना है तो यक्स प्लस चार गुड़े और साइनाइड आयन का क्या होता है बच्चों साइनो का माइनस वन होता है। तो ये क्या प्लस चार माइनस चार जीरो, मतलब यक्स की वैल्यू कितना गया जीरो, मतलब इसके आक्सीकरण क्या है जीरो है। तो टेट्रा साइनो, अब क्वेश्चन आ गया बच्चों दिमाग में क्या निकल, क्या इसके पहले आपका धनायन है, अगर बच्चों धनायन है तो आप क्या जोड़ेंगे धातु के नाम में एट जोड़ेंगे। तो क्या है निकल है तो निकल में एट जोड़ेंगे तो क्या निकिलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा निकिलेट हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों टेट्रा साइनो निकिलेट और क्या आक्सीकरण अवस्था जीरो दिखी बच्चों तो जीरो। ये क्या आ गया बच्चों आपका IUPAC नाम निकल कर आ गया। तो ठीक है बच्चों अब हम आपका कुछ और एग्जांपल्स बच्चों करा देते हैं, जैसे अब बच्चों हम आपका ले रहे हैं बच्चों CO EN taken to CL2 संकुल में और संकुल के बाहर क्या है बच्चों CL है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया बच्चों आक्सीकरण अवस्था निकालिए। तो आ जाइए
अब जैसे ही संकुल में आप इंटर करेंगे वैसे क्या मिला, CO मिल गया। कहने का मतलब क्या मिला बच्चों, कोबाल्ट मिल गया। अब कोबाल्ट मिल गया तो क्या है, धनायन आपका क्या बच्चों, धातु आयन है ना। अब धातु आयन की सबसे पहला काम क्या निकाले, आक्सीकरण अवस्था। तो क्या बच्चों, यक्स प्लस EN मतलब एथेन 1,2-diamine या एथिलीन डाईएमीन बच्चों, और इसी आक्सीकरण अवस्था क्या होती है, हमने बता रखा है जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। जब भी EN मिले तो क्या, जीरो। तो ये क्या रहा, जीरो। और प्लस कितने क्लोरीन है बच्चों, तीन क्लोरीन, और तीन क्लोरीन कहने का मतलब 3 × −1 = 0। तो यक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यक्स −3 = 0 या यक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, +3। क्या इतनी बातें आई समझ में, धातु आयन की आक्सीकरण अवस्था आई समझ में, क्या है +3। तो क्या होगा बच्चों इसका, +3। अब आ जाइए नाम लिखिए, तो बच्चों जो IUPAC नाम इसका होगा कितना सरल, आप खुद देखिए। क्या इसका नाम पहले लिखेंगे, नहीं ना। अब आइए ये क्या एथिलीन डाई एमीन है, और एथिलीन डाई एमीन का जो स्टार्टिंग क्या होता है, E होता है बच्चों, और इसका स्टार्टिंग क्या होता है, C होता है। क्लोरो का C, एथिलीन का E, तो कौन सा पहले, C की E, अब C है तो पहला नाम बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्लोरीडो का नाम है लिखेंगे। तो क्लोरीन कितने बच्चों, दो है ना, तो क्या लिखेंगे आप, डाई क्लोरो लिख दीजिए बच्चों फिर भी सही है, और क्लोरीडो लिख दीजिए फिर भी सही है। तो डाई क्लोरीडो, और क्लोरीडो लिखने के बाद क्या आगे इस पर, ये आ गया ना बच्चों। और इसका नाम पता है बच्चों, जब भी आपको EN मिल जाए तो आप लिखिएगा क्या, एथिलीन डाई एमीन। क्या लिखिए बच्चों, एथिलीन डाई एमीन। क्या एथिलीन डाई एमीन में डाई मिल गया बच्चों। अब डाई मिल गया तो मतलब यहाँ के लिए, दो के लिए क्या प्रयोग करें, विष प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए बच्चों, विष। अब विष मतलब कैसे लिखेंगे विष, तो आ जाइए बच्चों विष, तो डाई क्लोरीडो इसका नाम बच्चों विष, और इसको बच्चों फिर हम ब्रैकेट में कर देंगे क्या, एथिलीन डाई एमीन। क्या लिखेंगे बच्चों, एथिलीन डाई एमीन। क्या इतनी बातें समझ में, डाई क्लोरीडो बीस एथिलीन डाई एमीन। तो ये हो गया बच्चों। अब इस पर आ जाइए, आपके संकुल पर कोई तो रिडायन तो आ नहीं रहा बच्चों, न्यूट्रल है तो इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लिखिए बच्चों, क्या लिखिए, कोबाल्ट। क्या बच्चों, आपने कोबाल्ट लिखा, और कोबाल्ट की जो आक्सीकरण अवस्था है बच्चों आप खुद देखिए, हमने इसके पहले निकाल रखा है क्या, थर्ड है, तो रोमन में लिखना है ना बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, थर्ड। क्या इतनी बातें आई समझ में। अब जैसे ही थर्ड लिख दिया, अब संकुल का तो नाम लिख दिया, अब संकुल से बाहर निकलिए तो क्या है बच्चों, CL, और CL का नाम बच्चों आपने पढ़ रखा है क्या होता है, क्लोरीडो। संकुल के अंदर, संकुल के बाहर बच्चों क्लोराइड है, तो क्लोराइड लिखिए, क्लो राइट। तो ये बच्चों आपका नाम निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया बच्चों, डाई क्लोरीडो बिस एथेन या एथिलीन डाई एमीन बच्चों, और क्या, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये बच्चों आपका 6 एग्जांपल हमने करा दिया। और यदि बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे बच्चों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बच्चों यदि कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क टू मी विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट बॉक्स में बच्चों पूछ लीजिए। अब डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपका नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों ये आपका तो फर्स्ट लेक्चर रहा IUPAC नामनक्लेचर कैसे करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का। तो कल बच्चों हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, और सेकेंड पार्ट में हम कह रहे हैं बच्चों आपका कम से कम 40 से 50 एग्जाम्पल्स कराएंगे, और 40 से 50 एग्जाम्पल्स कर लेंगे बच्चों, तो हमारी गारंटी है कि आपका 2 से 3 नंबर आपके UP बोर्ड 2022 में फिक्स बच्चों हो गया। इसके बाद जो जो आपका इम्पॉर्टेंट है हम रोज़ लेक्चर लाते रहेंगे, और करते करते आपका 11 तारीख तक आपकी अच्छी खासी यहाँ से तैयारी बच्चों हम करा देंगे। आप घबराइए ना, केवल आप विश्वास रखिए,
आपका हम अच्छी खासी केमिस्ट्री की तैयारी करवा देंगे। हाँ, लेकिन आप इसे रिवाइज़ कीजिए और इसको इसका जो आप नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि जाते समय एग्ज़ाम में एक बार तो आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्टली यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, आफ्टर देन आई विल कंटिन्यू योर लेक्चर नेक्स्ट डे। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।